मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा राजस्थान प्रदेश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, हर तरह से मजबूत हो और राजस्थान प्रदेश एक विकास का नया इतिहास आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में लिखे और आप सभी के घरों में लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि आपके घर में वास करें। राजस्थान की जनता को, विशेष तौर से मेरे ज़िले की जनता भीलवाड़ा की को और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस बार दीपावली नई सरकार बनने के बाद पहली बार आ रही है और नई सरकार यही नहीं बल्कि केंद्र में भी बनी है, तो दोनों सरकारें आने वाले समय में जनता में इतना अच्छा काम करेगी कि लोग खुश होंगे और ये अगले आने वाली दीपावली तक लोगों के लिए ये साल पूरा खुशहाली से बीते, ऐसी मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ। मेरी ओर से मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं दिवाली का ये त्यौहार जो कि सुख समृद्धि उत्साह उल्लास का त्यौहार है, तरक्की प्रगति उन्नति का त्यौहार है, ये त्यौहार हम सब के जीवन में परिवार में खुशियां और समृद्धि लेकर के आए। परिवार और हमारा सबका जीवन समृद्ध होगा तो समाज और समाज के साथ शहर और प्रदेश भी उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। फर्स्ट इंडिया चैनल के इस माध्यम से मैं टोंक शहरवासियों को, अपने राजस्थान की जनता को दीपावली की अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान में जो इस चैनल को देखते हैं, क्योंकि ये चैनल सामाजिक सरोकारों का आईना बनकर जिस प्रकार प्रतिस्पर्धा के युग में आगे बढ़ रहा है, दीपावली के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से सभी दर्शकों को, राजस्थान के सभी नागरिकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मिलती है। निसंकोच साफ दिल से आप खबर को दिखाते हो, उसी से चैनल की बड़ाई होती है और मैं आपके चैनल को इस बात को बधाई देता हूं कि आप किसी भी के बगैर दबाव के, बगैर संकोच के, बगैर हिचक के आप सब चीज़ को जब ओपन दिखाओगे तो पब्लिक उसी को देखना पसंद करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपने पूरे राजस्थान प्रदेश को बधाई देता हूं और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपका चैनल नंबर एक का चैनल बन जाए, ताकि जो भी समस्याएं हैं सबको, जितनी पब्लिक की समस्याओं को आप उजागर करोगे उतना ही चैनल का क्रेज बढ़ता है। फर्स्ट इंडिया राजस्थान के माध्यम से हम हमारे सभी दर्शकों, सुनने वालों को ये दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दीपावली के त्यौहार के अवसर पर प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी नागरिकों से ये निवेदन भी है इस त्यौहार के अवसर पर कि हम हमारे व्यापारियों को इस अवसर पर प्रोत्साहन दें और हिंदुस्तान की निर्मित वस्तुओं का इस त्यौहार पर उपयोग करें। राज्य की जनता को दीपावली पर ढेरों सारी शुभकामनाएं। आने वाला दीपोत्सव राज्य में अमन चैन और विकास लेकर आए। हमारी मुख्यमंत्री जी की अवधारणा कि राजस्थान के माथे से पिछड़ापन का कलंक उठे ये यथार्थ रूप ले, और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ हिंदुस्तान, स्वच्छ राजस्थान और स्वच्छ शहर की बात की है, उस पर हम सब लोग चले। ढेरों सारी शुभकामनाएं, आम आवाम को शुभकामनाएं, सभी दर्शक गणों को शुभकामनाएं। मैं राजस्थान प्रदेश के वासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, हमारे राज्य में सुख समृद्धि हो, हमारे परिवार में सुख समृद्धि हो और हम सब की श्री वृद्धि हो। दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, नागौर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।